आज मैं आपको जूस बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक टेबलेट क्लोरीन का डाला हमने यहाँ। ये वेजिटेबल साफ करने की दवाई है, जिससे वेजिटेबल में जो भी बैक्टीरिया केमिकल होता है वो निकलता है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे जूस बनाते हैं। ये देखिए मशीन, ये और ये देखिए, हमने ये ऑरेंज का जूस बना रहे हैं हम, और ग्रेपफ्रूट का। ये देखिए, ये है ग्रेपफ्रूट, हल्का सा ऑरेंज से हल्का सा बड़ा होता है ये, और इसके जो अंदर होता है वो हल्का रेड होता है, और ये ऑरेंज मिक्स हाँ मिक्स कर दो। ये ऑरेंज, ये ग्रेपफ्रूट, लगभग 12 से 13 ऑरेंज में 1 लीटर जूस निकल जाता है, 12 से 13 ऑरेंज में। अब डिपेंड भी वो करता है कि इसका साइज लगभग इतना होना चाहिए, और फ्रेश होना चाहिए, और हल्का सा जूसी होना चाहिए। अब इसको हम लगभग 5 से 10 मिनट इसको लाएंगे, और फिर इसको इसमें डालेंगे मशीन में। ये देखिए, हमारे ट्रेनी ये ऑरेंज को धुलाते हुए, ये देखिए हम ऑरेंज अब मशीन में डाल रहे हैं। अब डालो, ये देखिए, ये है ऑरेंज की मशीन। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ आपको फ्रेश जूस मिलेगा। यहाँ से डालते हैं, और ऐसा करके आता है, और ये है बीच में एक डिवाइडर जो बहुत शार्प है, यहाँ से काटता है, और यहाँ से नीचे ये स्ट्रेनर लगा, स्ट्रेनर से छन के यहाँ आता है फ्रेश ऑरेंज जूस। ये देखिए, कैन का ये ऑरेंज जूस मशीन है। आई थिंक ये भी मेड इन चाइना है सर, ये मेड इन चाइना ही है वो सर। ये देखिए फ्रेश जूस। ओनली ऑरेंज, हाँ बंदू, ओनली ऑरेंज। ये देखिए, जूस मशीन काफी अच्छा है, काफी महंगा है, कम से कम 10-15 हजार रियाल तक हो सकता है। आई थिंक 70,000 रियाल का ये मशीन, मेड इन जर्मनी। ये देखिए इसका यहाँ पर कचरा यहाँ से यहाँ इस साइड आता है, ये है एक, और ये है, ये देखिए अभी हम इसको स्टेन कर रहे हैं। वैसे स्टेनर इसका दूसरा होता है, मगर ये एक इजी वे है, और अच्छे से थोड़ा मतलब सही तरीके से स्टेन होता है। ये देखिए, कम से कम ये 2.5 से 3 लीटर लगभग प्रेस। ये देखिए, हमारे सर, हमारे ट्रेनर सर इसको अभी वॉश करने के लिए ले जा रहे हैं। अभी इसमें हम ग्रेपफ्रूट का जूस निकालेंगे। ये देखिए, ऐसे खोलते हैं, ये देखिए, काफी एक्सपीरियंस है इन्हें, बांग्लादेश का इनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। हैं बंधु, हंसिए मत आप वाला। ये देखिए ये मशीन काफी बेहतरीन, काफी अच्छा मशीन है ये। हाँ हाँ, और इसमें क्या है कि आप बहुत ही जल्दी आपको वॉश कर सकते हैं, और बहुत इजी टू यूज है ये। देखिए, ये होटल इंडस्ट्री में ये सब मशीनें आपको बहुत देखने मिलेंगे। अब यहाँ ग्रेपफ्रूट बन रहे हैं, देखो ग्रेपफ्रूट को ऐसे काट के जाना जा रहा है। ये काट के इसलिए जा रहा है क्योंकि ये हल्का सा साइज में बड़ा होता है, तभी इस साइज में जा नहीं पाता है, तभी इसको काट जाता है। ये देखिए ग्रेपफ्रूट का हल्का सा ऑरेंज से थोड़ा सा होता है। ये देखिए ग्रेपफ्रूट का जूस, ये
यहाँ इसका डस्ट यहाँ जाता है तो इसके छिक्कले यहाँ आ जाएंगे। ये है छिक्कल ऐसा करके, और ये देखिए काफ़ी अच्छी मशीन है, ग्रेपफ्रूट की भी जूस बहुत सही है। ये देखिए ज़्यादा ऑर्डर आता नहीं है तभी हम इसको ज़्यादा बनाते नहीं हैं, अगर तब भी एक लीटर बना के रखना पड़ता है, बेकअप कभी आ गए जैसे कभी ना हो। ये देखिए ये थ्री ईयर को टेस्ट आता है, सिक्स ईयर का टेस्ट आता है। तो ये रहा इसका ग्रेपफ्रूट का, ये देखिए ग्रेपफ्रूट को स्टीम कर रहा है। अब ये ग्रेपफ्रूट को स्टीम कर